पहुंच चुके हैं। ये वो अखंड ज्योति जो माँ के दरबार माँ की ज्योति के साथ जोत मिलाकर जम्मू शहर के लोगों के उत्थान के लिए पुनः वापस आएगी। आप सभी का सहयोग, आप सभी का भरपूर प्यार जो है छड़ी के साथ आज यहाँ से रवाना होगा। जो सदस्य जान नहीं पाएंगे, जो भक्तजन छड़ी के साथ जान नहीं पाएंगे, उनके जयकारों की गूंज तो माँ के पंडाल तक जरूर पहुंचे, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज जो भी इस छड़ी के साथ श्रद्धालु आज माँ के दरबार में जाने के लिए इस छड़ी के साथ जाएंगे, उनके चरणों की धूल को अगर हम माथे से लगा दें तो मेरे ख्याल में आज उससे बड़ा पुण्य का मौका कोई नहीं होगा। कहते हैं कि भक्त से बड़ा भगवान से बड़ा भक्त होता है। जो भक्त श्रद्धा भाव से आज माँ के चरणों में जा रहे हैं, पुष्प वर्षा के साथ से उनका अभिनंदन करते रहिए। कैमरा थोड़ा थोड़ा पीछे रखो यार। जय माता दी। Thank you.
सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि सारे यहाँ पंडाल के अंदर आ जाएं। सभी जितने भी भक्तजन हैं वो छड़ी बवार को अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कृपया पंडाल के अंदर आ जाएं। हमारे पास बहुत सारे अतिथिगण भी आएंगे जिनका स्वागत भी करना है विधिवाद से। जिन्होंने दर्शन कर लिया है छड़ी का, कृपया पंडाल के भीतर आ जाएं। सामने से रास्ता छोड़ दीजिएगा। हमारे कुछ अतिथिगण यहाँ पे आएंगे जिनका हमने मान सम्मान बढ़ाना है सर्वशक्ति सेवा संस्थान की ओर से, ट्रस्ट की ओर से। तो सामने से रास्ता छोड़कर कृपया पंडाल के अंदर आ जाएंगे। पवित्र छड़ी के लिए दर्शन के लिए भी जगह थोड़ी छोड़ दें जिन श्रद्धालुओं ने। मेरा पुनः आग्रह है सभी श्रद्धालुओं के साथ जिन्होंने पवित्र छड़ी के दर्शन कर लिए हैं, तो पंडाल के अंदर आ जाएं या दाएं बाएं हो जाएं, सामने की जगह को छोड़ दें। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे अतिथिगण विधि पूर्वक इस छड़ी को यहाँ से रवाना करने वाले हैं, उनको आने के लिए रास्ता छोड़ा जाए। मेरा पुनः एक बार आग्रह है सभी श्रद्धालुओं के जो पवित्र छड़ी के दर्शन कर चुके हैं, कृपया छड़ी के सामने से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं। हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पर हैं, उनको छड़ी की कुछ कवरेज भी करनी होगी, तो कृपया आप आगे पीछे दाएं बाएं थोड़ा सा हो जाएं। माता टेक कर जय करो चंडी कर लो सांचे दरबार की। तो मेरे भक्तजन शायद मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे, मैं एक बार पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और माता के उस पवित्र जयकारे के साथ अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया थोड़ा सा पंडाल से सामने से आगे पीछे हो जाए, क्योंकि हमारे जो अतिथिगण हैं जिन्होंने अपने घर कमलों के साथ इस पवित्र छड़ी को यहाँ से रवाना कर रहा है, वो सामने से आएंगे और पवित्र छड़ी के दर्शन करके कतारबद्ध तरीके से आप दर्शन करके दाएं बाएं होते जाएं तो अच्छी बात है। एक अच्छे शिष्टाचार का भी परिचय होता है। अगर धार्मिक स्थान पर जाए, धार्मिक जो भी यात्रा हो उसमें हम अपने शिष्टाचार को भी सबके सामने दर्शाएं तो अच्छी बात होगी। जय करो चंडी कर लो सांचे दरबार की। तो माँ के जयकारों के साथ मैं हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रहा हूँ, अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं फिर अपनी भाषा में बोलूंगा डोगरी में, भाई डोगरी से समझियो। मैं हाथ जोड़िए प्रार्थना करना, छड़ी गोला थोड़ा अगे पीछे हटी जाओ, दर्शन करिए, अगो पंडाल के सामने का भी रस्ता छो, क्योंकि सारे माननीय जिन्हें सम्मान देने वास्ते इस यात्रा की अतिथि का नावा कर देना उड़ेगी अस पहचानी सच्चे तो जो उनको नावा कर। जय माता दी। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री रमेश कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, जो पूरे प्रांत के हमारे सर्वसभा हैं, वे स्वयं यहां पर पहुंचे हैं। आप सभी छोटा ताले के साथ उनका स्वागत कीजिएगा और आज पवित्र छड़ी में अपने कर कमलों के साथ माँ से वो खुद भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाओं के साथ यहाँ से विदाई देंगे कि ये यात्रा हर साल की तरह अपने गंतव्य पर हर्षोल्लास के साथ पहुंचे और जम्मू सूबे के लिए, जम्मू कश्मीर प्रांत के लिए, पूरे देश के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये यात्रा सफल होकर फिर पुनः यहाँ लौट कर आई। ये कामना के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रमेश कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, अपने घर कमलों के साथ छड़ी का पवित्र छड़ी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए
समाज की कुछ अतिथि गणी जी को भेंट की जा रही है। ये जो स्मृति चिन्ह हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब को दिया जा रहा है, ये आशीर्वाद है माँ चंडी का, उस सर्वशक्ति का, उस रण चंडी का, ये आत्म शोभे के रक्षा के लिए ये सारे लोग कार्यरत रहे और जन सेवक बन के पूरी जनता की सेवा करते रहे। ये माँ चंडी का आशीर्वाद उनके लिए है। बहुत सारे अतिथिगण आज अपने कर कमलों के साथ अभिनंदन के साथ अपना माँ की पूजा अर्चना के साथ माँ की जयकारे के साथ पुष्प वर्षा के साथ आज इस पवित्र शरीर को यहाँ से रवाना करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरा एक बार पूरा अनुरोध है हमारे अतिथि सभी थोड़ा थोड़ा रास्ता छोड़ दे, मैं हर बार गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ा सा रास्ता तो छोड़ दे। शुभकामनाएं छड़ी के लिए, जहाँ भी आप खड़े हम रहिएगा आपका भी योगदान रहेगा इस यात्रा के लिए। आपके इन जयकारों के साथ हमारे जम्मू शहर से लेकर किश्तवाड़ जिले के पाटन के मझेर तक सब वातावरण जो है वो भक्तिभाव से आज गूंजने वाला है। माँ की माँ चंडी के इन जय घोष के साथ भक्तिभाव से आज का जो माहौल ये वातावरण आप सबकी शुभकामनाओं के साथ छड़ी के साथ जाएगा और आप सबके घरों में सुख समृद्धि का वरदान देने के लिए इस छड़ी के साथ पुनः वापस जरूर आएगा। जय माता दी। कृपया थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दें हमारे अतिथिगण के झुकने के लिए। मंच पे आ जाएं हमारे मुख्य अतिथि, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब जिन्होंने छड़ी की पूजा अर्चना की। मेरा अनुरोध है कि वो मंच के अंदर आ जाए, अपना स्थान यहाँ पे हासिल करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः मैं चाहूंगा श्री रमेश कुमार जी डिविजनल कमिश्नर जम्मू, आपका तहे दिल से स्वागत है। आज आप अपने कर कमलों के साथ उस पवित्र छड़ी को यहाँ से जम्मू के लोगों की मनोकामना के साथ यहाँ से विदा करने वाले हैं। बहुत सारे माननीय यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आम जनता के साथ मिलकर जम्मू सूबे की जनता सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए इस छड़ी को यहाँ से रवाना करने के लिए पहुंचे हैं और इनके साथ ही भाजपा की वरिष्ठ नेता मैडम प्रिया सेठी जी, पूर्व मंत्री वो भी छड़ी के दर्शन करेगी, आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। उनके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता सेठी साहब इनके साथ ही पूजा अर्चना में साथ लेंगे। बहुत सारे माननीय जितने भी यहाँ पर पहुंचे हैं सभी आज हर्षोल्लास के साथ वहाँ की पवित्र छड़ी को यहाँ से सुरक्षित करेंगे। पहले तो माँ की ये पवित्र जो चुनरी है आशीर्वाद है, ये लाल रंग नहीं, ये माँ का आशीर्वाद है। हमेशा कामना पूरी करता रहे और माँ का समृद्धि चिन्ह थोड़ा पीछे पीछे भी खुला खुला जगह भी छोड़ दे।
जगदीप सेठी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता, इनका भी माफी चुनने के साथ ये तो आशीर्वाद से प्राप्त करके वहां से रवाना हो चुके हैं। फिर भी जो आशीष वो वहां से प्राप्त करके आए हैं वो आप जनता के साथ साझा करते हुए आज पवित्र छड़ी के साथ बीजेपी महिला मोर्चा की मैडम संगीता डोगरा जी नहीं पहले नम्रता शर्मा मुझे बता रहे कुछ और देने दे रहे नम्रता शर्मा जी समाज सेवी और संगीता डोगरा जी बाकी महिला मोर्चा की इनका भी ये माँ की चुनरी आशीर्वाद के साथ और चुनरी की चीज माँ का जो है तो सभी मैं चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय रमेश कुमार जी डिविजनल मिशन जम्मू जो अपने कर कमलों के साथ इस पवित्र छड़ी को यहाँ से रवाना करेंगे सर जम्मू का आशीर्वाद के साथ यहाँ से और मनोकामना के साथ करके ये छड़ी यहाँ से रवाना होगी। तो मैं चाहूंगा चंद शब्द यात्रा के मचेल माता की यात्रा जो 25 जुलाई से प्रारंभ हुई है वो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। वहाँ पर कौन क्या प्रबंध किए गए जितने भी यात्री आ रहे हैं उनके अच्छे ढंग से किए गए। यहाँ से जो परंपरा रही है छड़ी मुबारक यहाँ से निकलती है आज निकल रही है यहाँ से तो एक तो सभी ऑर्गेनाइजर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा और बड़े ही परंपरागत तरीके से यहाँ से छड़ी को रवाना की जा रही है। तो वहाँ पर रास्ते में तो किश्तवाड़ में सब जगह पुल का प्रबंध किए गए हैं और मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस छड़ी में जाएं और वहाँ पर माता का आशीर्वाद मिले। जय माता दी। धन्यवाद आपका।